पुलिस ने दूसरी शादी करने जा रहे दूल्हे को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन निवासी सचिन शर्मा की शादी पुष्पम शर्मा से हो चुकी थी, जिनका 10 साल का एक पुत्र भी है। लेकिन आज मामले ने उल्टा तूल पकड़ लिया है। जब पहली पत्नी पुष्पम को पता चला कि मेरे पति सचिन आज आर्य समाज धर्मशाला दर्शनपुरवा में 27 जनवरी को आयुष्मती सरिता सुपुत्री अशोक कुमार से शादी कर रहे हैं, वहीं पहली पत्नी इसकी सूचना अपने परिवार को दी और मौके पर काकादेव थाने पहुंचकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने जैसे ही मामला सुना, मौके पर रेलवे लाइन से दूल्हे को गिरफ्तार कर थाने ले आई और पीड़िता पुष्पम शर्मा अभी थाने के बाहर न्याय पाने के लिए रो रही है। वहीं कुछ दलाल लोग लगे सेटिंग गेटिंग कराने में और बड़ी बात यह है कि शादी के कार्ड भी बट गए और आज ही शादी है। अब देखना यह है कि काकादेव पुलिस माँ बेटी को इंसाफ कैसे दिलाती है। क्यों नहीं रख रहे हैं आपके पति आपको? वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं, इसीलिए। दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो आपने थाने में एप्लीकेशन दी? जी दी थी। हाँ, तो क्या जवाब आया? वो लोग घूस लेके इसके बाद बंद करवा दिए सब। तो अब क्या चाहती हैं आप प्रशासन? मैं यही चाहती हूँ सर, मैं यही रहना चाहती हूँ। मुझे मेरा हक चाहिए, मेरे पति का हक चाहिए मुझे। मैं यही रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ आती हूँ, इसकी माँ लोग मुझे बहुत सताते हैं। मेरे ससुर जो है लाल जी, वो भी सताते हैं। दूसरी शादी करने जा रहा है, मेरा पति जो है आया मुझे कहता है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।